अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है जाइगोमाइकोटा, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जाइगोमाइकोटा एक ऐसा ग्रुप है फंजाई का जिसमें सारी के सारी फंजाई की जो हाइफी है वो कोइनोसाइटिक होती है, नॉन सेप्टेट होती है, जिसमें क्रोसवॉल मौजूद नहीं होती। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स की मदद से, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जाइगोस्पोर की मदद से। और जाइगोमाइकोटा का जो दूसरा नाम है इसको जाइगोमाइसीट भी कहते हैं या कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहते हैं। जाइगोमाइसीट इसको क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है? अगर देखा जाए इस ग्रुप में जितनी भी फंजाई है उनके अंदर जायगोड बनता है बाय फ्यूजन ऑफ हाइफी। हाइफी के मिलने से जायगोड की प्रोडक्शन होती है। अब फ्यूजन ऑफ हाइफी को दूसरा नाम देते हैं गैमाटेंजिया। गैमाटेंजिया का मतलब प्लाज्मोगैमी साइटोप्लाज्म का मिलना, और कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का आपस मिलना। इन दोनों को आपस में नाम दिया जाए इकट्ठा, दे आर कॉल्ड गैमाटेंजिया। तो जैसे गैमाटेंजिया होगा तो जायगोड बनेगा, और जायगोड से डायरेक्टली फॉर्म होगा रेस्टिंग जायगोस्पोर। अब जाइगोस्पोर होता क्या है, मैं आज जरा आपको उसके ज़रा बता दूं कि जाइगोस्पोर कहते हैं किसको है। ये देखिए, ये एक हाइफी है जो कि डिफरेंट स्ट्रेन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में मिला, दे आर कॉल्ड प्लाज्मोगैमी है। दोनों न्यूक्लियस मिलेंगे, दे आर कॉल्ड कैरियोगैमी है। जैसे न्यूक्लियस मिल जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम क्या है, जाइगोस्पोर। ये स्ट्रक्चर की क्या पहचान है, ये टेम्परेरी डोरमेंट थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, जाइगो स्पोर है। और यही जाइगोस्पोर आगे जर्मिनेशन करेगा, और जर्मिनेशन होने के बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्स की प्रोडक्शन होगी, और वो स्पोर्स सारे हैप्लोइड होंगे क्योंकि मियोसिस होगी। जैसे ही हैप्लोइड के स्पोर्स बाहर निकलेंगे, कुछ ऐसे स्पोर्स होंगे जो पॉजिटिव स्ट्रेन वाले को बनाएंगे हाइफी, और कुछ ऐसे स्पोर्स होंगे जो नेगेटिव स्ट्रेन वाली हाइफी को बना देंगे। और इस तरह से कंप्लीट होता लाइफ साइकिल जिसको नाम देते हैं जाइगोमाइकोटा, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आती है और उसका नाम है राइजोपस ब्लैक ब्रेड मॉल, जिसका दूसरा नाम है। तो राइजोपस का साइकिल आए जाइगोमाइकोटा के, तो आपने यही सारा कुछ डिटेल में बताना होता है। जजाकल्लाह खैर।